अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय सेंस चैनल। तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, और किसके शॉपिंग करने करने जा रहे हैं, ये जो आपको प्यारी सी छोटी सी बेबी नज़र आ रही है अनाबिया, इसके शॉपिंग करने जा रहे हैं। क्योंकि जब ये पैदा हुई थी, आपको पता है, मैंने ब्लॉग में आप लोग से शेयर किया था कि ये 9:30 बजे पैदा हुई थी, ईद के फर्स्ट डे, और रमज़ान में लॉकडाउन लग चुका था एंड के डेज़ में, और रमज़ान में ज़्यादा शॉपिंग करने जाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी सिस्टर की कंडीशन ऐसी नहीं थी और मेरी मम्मा तो कर ही नहीं सकती रमज़ान में शॉपिंग। तो आपको पता चल गया होगा कि हम रास्ते से ही पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये सदर का रास्ता है, बहुत चेंज हो गया है, अच्छा लग हो चुका है सदर भी। तो हम गुल प्लाज़ा पहुँच चुके हैं। आप लोग को जो भी बच्चों से रिलेटेड शॉपिंग करनी हो, कुछ भी आइटम लेना हो बच्चों का, तो गुल प्लाज़ा से बेहतर तो कोई शॉपिंग की जगह है ही नहीं। तो यहाँ हम एंट्रेंस पे देख रहे हैं, आपको बच्चे की चीज़ें ही स्टार्ट हो चुकी हैं, बर्तन शर्तन वर्तन सब कुछ मिल जाएगा आपको। बट यहाँ पर मैं सिर्फ एक जो है हमज़ा मदर केयर को एक्सप्लोर करने आई हूँ, और आप लोग से शेयर करने आई हूँ ब्लॉग, क्योंकि हमज़ा मदर केयर पे लगा हुआ है 20-30% ऑफ। और तो हमने कहा चलो सेल अवेल भी कर लेते हैं, शॉपिंग भी हो जाएगी, और मैं अब आप लोग को शेयर भी कर दूँगी। तो हमज़ा मदर केयर पे वहाँ पे शॉपकीपर ने कहा कि यहाँ पे कुछ ही आइटम पे सेल लगी हुई है, अगर आप लोगों को फुली सेल अवेल करनी है तो आगे जाके सेंट्रल मॉल है गुल प्लाज़ा के, तो वहाँ पर आप चले जाएँ, वहाँ पर आप लोगों को होलसेल में भी डील होगा, और आपको होल सेल में भी डील होगा, और आप लोग को बहुत अच्छी वैरायटी भी मिल जाएगी, बहुत अच्छी आइटम भी मिल जाएगी। तो ये हमज़ा मदर केयर के बाहर बाहर का व्यू आपको दिखा रही हूँ। तो ये बाहर जो एंट्रेंस की जो बाहर लगी हुई है, ये बास्केट लगी हुई है, जो कि 850-880,000 रुपीज़ के अंदर अंदर ये बास्केट मिल जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है जब बेबी आता है घर में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती है बास्केट होती है, कि बकेट लेनी चाहिए हमें एक, ताकि उसमें बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े जो रखे हैं हों। तो देखें यहाँ पर जो ट्रक टाइप है, वहाँ पर वो भी बास्केट बनी हुई है, और ये नेट जो कंफर्टर चल रहा है गद्दा टाइप का, जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है, तो आप लोग को एक ये पे लेना ही चाहिए, ताकि नेट भी कवर हो जाए बंदा, और जो बच्चा है रिलैक्स होकर लेट भी जाए, लाइक एक छोटा सा बेड टाइप का होता है। और देखिए यहाँ पर बेबी बेड्स भी रखे हुए हैं, बेबी झूला भी रखा हुआ है। तो ये जो झूला नज़र आ रहा है आपको, ये हमने अजान के लिए लिया था, मेरा जो फर्स्ट भांजा है उसके लिए लिया था। तो मुझे नहीं लगता अब अनाबिया के लिए ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑलरेडी झूला रखा हुआ है घर में। तो हो सकता है कुछ ना हम लोग शॉपिंग जो करेंगे वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, और मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ जो जो जिनके बेबी होने वाले हैं, आपको आप यहाँ पर आएँ और शॉपिंग करें, क्योंकि यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड हर चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें बच्चों के कबर्ड्स वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से हैं, मतलब हर तरह के आपको बच्चों के कबर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये हमज़ा मदर केयर पर एंट्रेंस हो रहे हैं, बाहर का व्यू मैंने आपको दिखा दिया कि बाहर पर एंट्रेंस पर क्या क्या लगा हुआ है। तो ये हम एंट्रेंस हो चुके हैं, और ये सबसे पहले रैक में बेबी शूज़, बेबी वाइप्स, और बेबी जो है खिलौने वगैरह लगे हुए हैं, और बेबी कैप्स और शूज सॉक्स पे सेल लगी हुई है, अगर आपको लेना है 80-60 रुपीज़ के जो आपने कैप्स और शूज़ वगैरह लेने हो बेबी के 200 के अंदर अंदर, तो आप हमज़ा मदर केयर आ सकते हैं और आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और मैं आपको बता दूँ, देखें ये लगी हुई 20 रुपीज़ की सेल भी लगी हुई है, और 80 रुपीज़ की भी सेल लगी हुई है, ठीक है, बेबी कप्स। अच्छा मैं आपको बता दूं, आप लोग देख लेंगे ये क्या क्या है, मैं आप लोगों को विज़िट तो करवा रही हूँ, उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या मिल जाएगा आपको। बेबी के कपड़े मिल जाएंगे आपको, जीरो टू लार्ज साइज़ तक आपको बेबी कपड़े मिल जाएंगे, बेबी पापा दोनों के, हर किस्म के, रोम्पर हों, फैंसी कपड़े हों, हैवी कपड़े, फैंसी कपड़े हों, लॉन के कपड़े हों, नेकर हो, टी शर्ट हो, शर्ट हो, ट्राउज़र हो, और शॉर्ट्स हो, लेगीज हो, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त कपड़े लग रहे हैं। अच्छा ये बेबी का जो है ना एक्सपीरियंस, कि हम ऊपर आ चुके हैं, मतलब एक स्टेयर से चढ़ के ऊपर आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा है, मैं आप लोग को बता नहीं सकती, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोग को सब क्या क्या शेयर करूँ, बस आप देखते जाएँ जो जो मैंने रिकॉर्ड किया है। अच्छा ये नाइट सूट हैं बेबी के ना, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे, और हमने इसमें से एक अनाबिया के लिए ज़रूर लिया है, और आपको साइज़ प्राइस चार्ट भी आप लोगों को पता है, और ये बेबी टी शर्ट्स हैं। अच्छा यहाँ पर आपको
कम से कम रेट का भी आइटम मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा का भी आइटम का रेट मिल जाएगा। लाइक मैक्सिमम आपको लाइक सेल तो आपको पता चल गई 20 or 80% 80 rupees की सेल लगी हुई है, तो आपको यहाँ पर 3,000 rupees, 3,500 rupees, 4,000 rupees तक के कपड़े आपको ईजिली मिल जाएंगे। वही बात है, रेंज पे बात है, आपकी क्या रेंज है, आप जो रेंज का आप देखना चाहें आपको मिल जाएंगे कपड़े, और क्वालिटी वाइज ऑसम क्वालिटी वाइज है। और ये लोग आजकल ज़्यादातर डीलिंग जो कर रहे हैं ऑनलाइन कस्टमर को ही ज़्यादातर डील कर रहे हैं, इनकी वेबसाइट भी अवेलेबल है। तो जस्ट मेरा कोई पब्लिसिटी करने का कोई इरादा नहीं है, मतलब लाइक पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ मैं इन लोगों की, उन्होंने ना मुझे प्रमोशन के लिए कहा है, जस्ट मैं अपनी तरफ से ये जो है हमजा मदर केयर एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो फ़र्स्ट टाइम विज़िट करना चाह रहे होंगे, जो चाह रहे होंगे कि बेबी की शॉपिंग कोई रिजनेबल जगह से मिल जाए, तो ये वो जगह है। और इसके अलावा जो जगह है वो लाइक गोल्डन मार्केट से सबसे बेस्ट जगह है आपको, लेकिन वहाँ पर आपको 6633 का पेयर्स लेना पड़ता है, जो कि हम नहीं ले सकते, एक जैसे कपड़े हम 3 दिन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर बिल्कुल रिजनेबल, ये आई थिंक 500 rupees की फ्रॉक है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, और कपड़ा भी बहुत ज़बरदस्त है इसका। और ये देखें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, और आप इनके पेज पर जा सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं देखती हूँ यहाँ से क्या क्या शॉपिंग करती, मैं तो नहीं, जैसे मेरी मम्मा देखती हैं क्या क्या शॉपिंग करती हैं नाबिया के लिए, और मेरी सिस्टर क्या शॉपिंग करती हैं नाबिया के लिए, और मैं तो जस्ट यहाँ पर विज़िट करने आई हूँ, क्योंकि मैंने कभी शॉपिंग नहीं की बेबी की। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं बेबी की पर्सनली शॉपिंग को करूँ, इंशाल्लाह वो भी दिन आएगा मेरी ज़िंदगी में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये देख लें, फ्रॉक लगी हुई 200 की फ़्रॉक्स भी लगी हुई थी, 200 कोई वैल्यू नहीं रखती फ्रॉक्स की, 200 की भी फ्रॉक्स लगी हुई हैं, 500 की भी लगी हुई हैं, 3000 की भी लगी हुई हैं, वही जैसे जैसे आप रेंज बढ़ाते रहेंगे आपको वो आइटम मिलता रहेगा। तो बस ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, आप लोग खुद ही विज़िट कर लीजिए, आप लोग खुद ही देख लीजिए, मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ, आगे म्यूज़िक लग जाएगा, फिर मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकूँगी, फिर मैं आपको मिलती हूँ एंड में, बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी कि ये क्या है ये क्या है। होता है इसका 1 किलो, और 12 पीस का सेट होता है जिसमें जबला पाउडर मोती कैप वगैरह पैम्पर सब, 6 सेट होता है इसका, वाइट प्लेन। अच्छा, इसका क्या प्राइस है? इसके अलग डिफरेंट प्राइस है, 2750, 3000, 3200 अलग अलग प्राइस है। मतलब ये जितने भी लगे हुए इसके डिफरेंट प्राइस है जी। डिफरेंट प्राइस की वजह वो किसी में पीसेस ज़्यादा होते हैं, किसी में ये पीसेस कम होते हैं, इस तरह से होता है। और फैब्रिक सेम होता है सबका? सिर्फ वो जो पीसेस है उसका इंक्रीज हो जाता है, फैब्रिक भी चेंज होते हैं इनमें। अभी ये सेम फैब्रिक है, तो ये तकरीबन सेम रेट ही होंगे सारे। क्या रेट बता रहे हैं ये? उसके भी रेट कंफर्म है, बता 3000। 3000 और कितने 6 पीस का सेट है? 12 पीस का, सही। चलें, थैंक यू। अच्छा, आपके जो सेल आइटम है उसके क्या क्या प्राइस हैं?
60 की सेल है, नीचे 80 की सेल है, 100 की सेल है। क्या है 60 की सेल में? 60 की सेल में बिब है, कैप है, फीडर कवर्स हैं, वाइप्स और न्यू बॉर्न से लेकर और 2 ईयर तक के बेबी के लिए, बेबी के लिए 2 ईयर तक के लिए, ज़्यादा 4 ईयर तक के लिए सूट्स वगैरह अवेलेबल हैं। लार्ज साइज़ है, मीडियम साइज़ है, स्मॉल। सबसे बड़ा साइज़ कौन सा है आपके? लार्ज साइज में कितना साइज आता है? 18 लेंथ होती है। अच्छा, तो इस जो बेबी में है वही बाबा में? बाबा में भी लार्ज तक है। लार्ज तक है, चले। थैंक यू, थैंक यू। सेलेक्ट कर रहे हैं कपड़े कौन कौन से लिए हैं, और मैं यहाँ पर अनाबिया को चुप करवा रही हूँ। आपको पता है बच्ची है अभी कुछ 1 महीने की है, तो वो रोएगी तो कभी बाती संभाल रही थी, कभी मम्मा कभी मैं, तो इस वजह से मैं अनाबिया को लेके बैठी हुई हूँ। और ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मैंने व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ साथ साथ। मेरे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मुझे पूरा आप लोग को एक्सप्लोर भी करना था मदर हमजा मदर केयर, और अनाबिया को भी संभालना था, फिर इन लोगों को सजेस्ट भी देना था, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। चलिए आप लोग देखिए और क्या क्या है इस हमजा मदर केयर शॉप में।
देख रही हूँ। हमारी हो गई शॉपिंग, अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं और हम लोगों ने दाल से अभी ले ली है। काफ़ी अरसे के बाद मुझे दाल से वाले नज़र आया तो मैंने ले ली। और शॉपिंग मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, और क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो चुका था और अब यह सो चुकी है, अब हम घर जा रहे हैं। अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी हो तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना